गुड मॉर्निंग। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हमारा ऑप्टिक्स का काम चल रहा है। एक ने क्वेश्चन पूछा कि टेंसर क्या होते हैं, आप बताओ। जो स्केलर और वेक्टर दोनों, मतलब ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो स्केलर भी हो और वेक्टर भी हो, ये क्या मतलब है इस बात का? ऐसी तो कोई क्वांटिटी ही डिफाइन नहीं है। नहीं सुनो, ऐसी तो कोई क्वांटिटी ही डिफाइन नहीं है जो स्केलर भी है और वेक्टर भी है। एक भी क्वांटिटी ऐसी नहीं है। देखिए, ऑप्टिक्स के बीच में ये एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज ए टेंसर। पहली बात, क्या स्केलर टेंसर होते हैं? नहीं होते। दूसरा सवाल, क्या वेक्टर टेंसर होते हैं? मतलब स्केलर नहीं होते और वेक्टर टेंसर होते हैं। देखो, बहुत सी किताबों में, बहुत सी बुक्स में जब इलेवेंथ में बच्चा आता है तो कई बार ऐसा लिखा रहता है कि जो स्केलर नहीं होता, जो वेक्टर नहीं होता, वो टेंसर होता है, इस तरह का मेंशन रहता है। पढ़ा है आपने कभी? फिजिकल क्वांटिटी ही तीन तरह की बता दी जाती है, बोले या तो स्केलर या वेक्टर, और जो स्केलर और वेक्टर दोनों नहीं है वो टेंसर। तो चलो, ये आपका होमवर्क है कि आप इसका क्या आंसर लिखेंगे, मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या है टेंसर। फिर कल जो क्लास होगी, आज मैंने आपको काम दिया है, कल जो क्लास होगी उसमें एक टॉपिक हमारा ये रहेगा, हम मतलब एक स्पेशल लेक्चर होगा ऑन टेंसर। ठीक है, कल एक स्पेशल लेक्चर होगा ऑन टेंसर, ताकि आगे से कभी इस चीज पे कंफ्यूजन ही ना रहे आपको। अभी आप आज सोचना कि क्या है क्या नहीं है। मैंने कुछ सवाल आपको दिए हैं टेंसर के बारे में, ठीक है। ये एज सच किसी स्टूडेंट का डाउट नहीं था, एक साथी का ही डाउट था, तो मैं तो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है। चलिए, अभी हम अपने ऑप्टिक्स के काम को आगे स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आपको कल एक होमवर्क में ये दिया था पहला सवाल कि ये कोई लेंस है और इसके सामने, बिल्कुल सामने लगा हुआ है प्लेन मिरर। इसके बिल्कुल सामने प्लेन मिरर है, इस तरह का ये है। क्या था क्वेश्चन, क्या था पहला सवाल, क्या था हमारा? हम ऑब्जेक्ट को कुछ दूरी पर रखते हैं, कोई डिस्टेंस दी थी क्या इससे? यस सर, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर दूर रखा, तो ये मिला आपको कि जहां ऑब्जेक्ट है वहीं क्या मिली इसकी इमेज, ऐसा ही सवाल था ना हमारा? यस सर। तो आपसे ये पूछा था कि ये जो लेंस रखा हुआ है, इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, ये हमारा सवाल था, ये हमसे पूछा गया था। बताओ तो हुआ तो ये आपसे 30 सेंटीमीटर है। क्यों, कैसे? ठीक, आंसर सही है, लेकिन कैसे? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ये कन्वर्स करेगा ना रेज को, फिर ये रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी, तो पैरेलल वाला हमने पढ़ा था, पैरेलल बीम का। अच्छा, ठीक है। तो पैरेलल बीम में फोकल लेंथ सेम होती है। ठीक है, ठीक है, सुनो, इधर सुनो, दो मेथड से मैं बताता हूं। मेथड फर्स्ट, देन हम चलेंगे मेथड सेकंड पे। अब आप देखिए क्या है आंसर, इसका है 30 सेंटीमीटर। देखो सुनो कैसे, मेथड फर्स्ट, लेंस प्लस मिरर किस तरह काम करेगा? लेंस प्लस मिरर, मिरर की तरह कि लेंस की तरह? मिरर की तरह। और उस मिरर की फोकल लेंथ कल क्या फॉर्मूला आया था? 1/F=2। बताओ क्या फॉर्मूला था? 1/FM - 2FL - 2/FL। अब ये जो कॉम्बिनेशन दिया है इसमें प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है? इनफाइनाइट।
प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ है दैट फोकल लेंथ टेंड्स टू इंफिनिटी। प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ है इट टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका क्या मतलब है? 1/FM कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो। तो आपने 1/FM जीरो रखा तो 1/F इक्विवेलेंट निकल के आया -2/FL और यहां से F इक्विवेलेंट आ गया -FL/2। FL ऊपर देख के बताओ ये लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स। तो FL पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव होती है। अब FL पॉजिटिव और उसके बाहर लगा है माइनस, यानी कि जो मिरर बना उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, तो कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है? कॉनकेव। यानी कि इक्विवेलेंट मिरर इज कॉनकेव। इक्विवेलेंट मिरर इज कॉनकेव। इसका मतलब अगर मैं इसको हटा के एक मिरर लगा दूं जिसकी फोकल लेंथ ये होगी -FL/2 तो भी ये वही काम करेगा। तो देखो मैं इसमें बना के दिखाता हूं। अगर मैं इसको हटा के एक मिरर बनाऊं, इसको हटा के मैं इसी में बना देता हूं, देखिए अगर मैं यहां पे इसको हटा के एक मिरर बनाऊं और कॉनकेव मिरर बनाऊं तो ये बिल्कुल वही काम करेगा कि जहां ऑब्जेक्ट है वही इमेज बनेगी। और ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर में कॉइंसाइड कब करते हैं? जब ऑब्जेक्ट कहां बैठा हो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है? यानी कि कुछ ऐसा हुआ होगा, रे गई और वापिस आई, रे गई और वापिस आई, ये हुआ होगा। इसका मतलब हमें ये पता लग गया कि इस मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो लेंथ 30 है। तो फोकस कितनी दूर होगा इस मिरर का? फोकस फिफ्टीन पे होगा। यानी कि ये जो इक्विवेलेंट मिरर बना इसकी फोकल लेंथ आपको दिख रही है डायग्राम से कितनी है? -15 सेंटीमीटर। आया क्या समझ में यहां तक? ठीक है। और इसकी फोकल लेंथ है -FL/2। जो लेंस रखा था उसकी फोकल लेंथ FL थी, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ थी -FL/2। तो मैंने इसको इक्वेट कर दिया -FL/2 से, माइनस से माइनस कट गया और फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितनी निकल के आ गई? 30 सेंटीमीटर। यानी कि एक प्लेन मिरर के आगे, एक प्लेन मिरर के आगे कभी एक लेंस रखा हो और ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करें तो वो जो डिस्टेंस होगी वो लेंस की फोकल लेंथ के बराबर होगी। वो जो डिस्टेंस होगी वो रखे हुए लेंस की फोकल लेंथ के बराबर होगी। कैसे? एक मेथड तो था हमने इक्विवेलेंट मिरर बना के किया। बताओ ये वाला आ गया समझ में तरीका? ठीक है। दूसरा मेथड है आप रे डायग्राम से देख लो। सेकेंड मेथड देखिए। देखो अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप पूछ लेना क्या है क्या नहीं है। मेथड सेकंड, देखो अगर कभी भी आपको ऑब्जेक्ट पे इमेज बनवानी हो तो फाइनली रेज को नॉर्मली इंसिडेंट करवा दीजिए। अच्छा ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है। अगर आप नॉर्मली इंसिडेंस करवाना चाहते हो तो इसका मतलब है कि यहां से रेज यूं जाए बिल्कुल सीधी तो नॉर्मली इंसिडेंट होगी फाइनली और वो रिट्रेस कर जाएंगी। यानी कि कहीं से रे आए और यूं चली जाए। अब यूं बताओ अगर मैं खाली लेंस को देखता हूं, खाली लेंस ने किस तरह का काम करवाया है कि ऑब्जेक्ट कहीं रखा था और रे इंफिनिटी पे पहुंचा दी? यानी कि ऑब्जेक्ट कहां रखा था? उस लेंस के फर्स्ट फोकस पे। ऑब्जेक्ट जहां रखा था वो उस लेंस का फर्स्ट फोकस था और सवाल में दिया है कि ये 30 सेंटीमीटर दूर रखा है। तो लेंस का फर्स्ट फोकस अगर इधर 30 सेंटीमीटर है तो लेंस का सेकंड फोकस उधर 30 सेंटीमीटर होगा और उधर 30 सेंटीमीटर होगा तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गई, यानी कि एफ लेंस होगी +30 सेंटीमीटर। ये दूसरा तरीका। बताओ क्या इससे समझ में आया क्या हुआ है? ठीक है। मतलब फाइनली आपको मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंस करवाना था रेज को तो जाके रे अपने आप को रिट्रेस कर जाएंगी, ये चीज हमने सीखी इसमें। ठीक है। अब इसमें बेस्ड मैंने एक और क्वेश्चन दिया था,
लेकिन उससे पहले मैंने क्योंकि मेथड सेकंड सिखाया है तो मैं ये चीज आपसे पूछ सकता हूं कि कभी भी अगर ऑब्जेक्ट को इमेज पे ही सॉरी अगर इमेज को ऑब्जेक्ट पे ही बनाना हो कभी भी अगर इमेज को ऑब्जेक्ट पे ही बनाना हो तो आप हमेशा क्या कीजिए, हमेशा नॉर्मली इंसिडेंट करवा दीजिए रेज को उसके ऊपर। जैसे मान लो एक सवाल मैं आपको दूं, वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालने वाले पार्ट पे आते हैं, उससे पहले एक सवाल, एक ये लेंस है और इसके सामने ये मिरर है, कौन सा मिरर है ये? कॉन्वेक्स। फोकल लेंथ इसकी है 10 सेंटीमीटर मिरर की, पॉजिटिव होगी क्योंकि ये उधर की तरफ सेंटर है, और फोकल लेंथ आप लेंस की भी मान लो 10 सेंटीमीटर है, ये आपको डायग्राम दिया है। अब कोई ऑब्जेक्ट रखना है, इस तरह रखना है कि जहां ऑब्जेक्ट हो वहीं इमेज बने, तो आपको ये डिस्टेंस बतानी है डी क्या होगा। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर रहे हैं तो आप ये डिस्टेंस बताओ कि डी क्या होगी। कीजिए भाई, कैसे होगा? कैसे करें? सबसे पहले तो इसका इक्विवेलेंट निकालो। अब वो प्लेन मिरर तो है नहीं, तो आप इसका इक्विवेलेंट निकाल लो। एक मिरर बनेगा 1/f equivalent = क्या फॉर्मूला है लगाओ भाई इसमें, 1/fm, fm कितना है 10, -2/fl और fl भी 10 है। बताओ ये फॉर्मूला आया समझ में, कैसे लगाया हमने? -10 सेंटीमीटर -1/10, तो इसका मतलब एफ इक्विवेलेंट निकल के आ गया -10 सेंटीमीटर। तो बताओ इक्विवेलेंट मिरर कौन सा बना, कॉनकेव की कॉन्वेक्स? कॉनकेव। यहां रखा था कॉन्वेक्स, लेकिन जो इक्विवेलेंट मिरर बना आपका, इक्विवेलेंट मिरर जो बना वो बना कॉनकेव, ठीक है? इक्विवेलेंट मिरर बन गया कॉनकेव। अब कॉनकेव मिरर बना तो उसकी फोकल लेंथ है -10, मतलब इधर की तरफ 10, तो सेंटर कितनी दूर होगा? 20। सेंटर 20। कब ऑब्जेक्ट और इमेज कॉन्साइड करते हैं एक मिरर के लिए? मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया एक कॉनकेव मिरर से बस, और जिसकी फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर, यानी कि जो उसका सेंटर है वो होगा 20 सेंटीमीटर उधर। तो ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कब करेंगे? जब वो सेंटर पे हो। तो ये देखो आंसर ही आ गया, ये फॉर्मूला कैसे काम आ रहा है अब समझ में आ गया, ठीक है? अगर चीजें कॉन्टेक्ट में हो तो ये फॉर्मूला ऐसे काम आएगा, और डी का आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट और इमेज कभी भी कोइंसाइड करवाने हो तो आप इस तरह करवा दिया कीजिए कि इक्विवेलेंट मिरर बनाए और जहां ऑब्जेक्ट रखा उसको इसका सेंटर बना दीजिए, तो ये हो जाएगा। और उसका स्पेशल केस ये है कि अगर सामने प्लेन मिरर लगा रखा हो लेंस के बाद, अगर प्लेन मिरर लगा रखा हो लेंस के बाद और अगर ऑब्जेक्ट और इमेज कॉन्साइड कर रहे हैं, तो इक्विवेलेंट मिरर का तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, परंतु प्लेन मिरर के सामने रखे हुए लेंस का वो फर्स्ट फोकस है, तो आपको डायरेक्ट उसकी फोकल लेंथ दिख जाएगी। समझ में आ गए हैं दो क्वेश्चन, ठीक है? अब मान लो कुछ सेपरेशन के साथ भी आ जाए क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्ट इमेज कॉन्साइड करने वाले, जैसे सपोज यू आ जाए एक ये लेंस है,
कौन सा लेंस है ये? कौन केव? कौन सा लेंस है बताओ? कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स लेंस है ये, दोनों साइड बाई कॉन्वेक्स है। और मैंने इसको दूर कर दिया, वही तो बनाया जो अभी डायग्राम नहीं बनाया था भाई। अभी जो आपने डायग्राम बनाया था उसमें भी एक कॉन्वेक्स लेंस था 10 सेंटीमीटर का और उसके सामने एक मिरर रखा था, ठीक है। मैंने इस मिरर को कुछ दूरी पे कर दिया, वो डिस्टेंस मुझे नहीं पता, वो डिस्टेंस बोल दी डी है। पिछले सवाल में कुछ सेपरेशन कर दिया और लेंस ऐसे दिखा दिया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट रखा है यहां से जैसे 15 सेंटीमीटर दूर, ये है। तो आपको ये बताना है, आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ डी सो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। वैल्यू ऑफ डी सो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ये आपको पता करना है, ये पता लगाना है। अब इस बार वो इकट्ठा वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं क्योंकि ये दूर है, तो क्या करें हम? सबसे पहले तो ये पता लगाओ कि ये इमेज कहां बनाएगा, ये जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, ये इमेज कहां बनवाएगा, फिर उसके बाद काम आगे बढ़ेगा। स्टेप फर्स्ट है रिफ्रैक्शन बाय लेंस, पहला स्टेप आपका ये है। लेंस के लिए देखते हैं तो यू कितना, -15 सबको समझ आ रहा होगा, एफ 10। बताओ जी लेंस इक्वेशन लगा के वी बताओ कि वी कितना आ रहा है। पहली बार लेंस इक्वेशन कितना आ रहा है, वी -30। दोबारा चेक करो, +30। हाँ तो थोड़ी गलतियों से ही गलत हो जाता है, वी आएगा +30। लेंस इक्वेशन 1/v - 1/u = 1/f से हमें बताओ ये आ गया, v प्लस 30 आ गया आपका, ठीक है। अब हमें ये तो पता लग गया कि यहां से जो रेज जानी है, इससे जो निकल के जानी है वो इस तरह जाएंगी कि लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर जाके टकराती। तो अब मैं चाहता हूं कि वहीं पे इमेज बने, तो मैं मिरर पे क्या करवा दूं, नॉर्मली इंसिडेंट। मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट कैसे होंगी, मिरर का सेंटर कितनी दूर है एक बार वो पता लगाओ, मिरर का सेंटर कितनी दूर है। क्या इस सवाल में मिरर की फोकल लेंथ दी थी मैंने, वही तो है पिछले वाला ही सवाल। तो मिरर की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर एफ मिरर, तो इसका रेडियस कितनी दूर हो गया, सेंटर कितनी दूर हो गया, 20 सेंटीमीटर। यानी कि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इससे होगा 20 सेंटीमीटर दूर। जो भी रेज आए वो मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट होनी चाहिए, जो भी रेज आए वो मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट होनी चाहिए, मतलब यूं। अब देखो ये क्या ये रे नॉर्मली इंसिडेंट हो गई है कि नहीं इस मिरर पे, है ना, हो गई है तो ये अपने आप को रिट्रेस करेंगी, हो गई है तो अपने आप को रिट्रेस करेंगी और जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पे बन जाएगी इमेज। तो अब बताओ डी कितना, बोलो अब डी कितना, लेंस से कितनी, 10 सेंटीमीटर। देखो लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर इमेज बनी, यानी कि जो इमेज लेंस ने बनवाई वो अपने से 30 सेंटीमीटर दूर बनवाई,
और वो इमेज मिरर पे नॉर्मल इंसिडेंट ऑब्जेक्ट का काम करने चाहिए। तो उस इमेज को उस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दो आप, उस इमेज को उस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दो तो अपने आप वो नॉर्मल इंसिडेंट रे होगी और वो रेज वापिस वही आ जाएंगी जहां से चली थी रिट्रेस करती हुई। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। बताओ भाई समझ में आ रहा है ना ये वाला काम? देखो ये वो क्वेश्चंस हैं जो नीट जेई के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, मतलब एज इट इज सेम लेवल के क्वेश्चंस तीनों एग्जाम में आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अब अक्सर इसी सवाल के साथ, इस जवाब के साथ इस सवाल को खत्म कर दिया जाता है। मैं पूछता हूं कि डी की कोई और भी वैल्यू हो सकती है इसके अलावा? डी 10 सेंटीमीटर तो हो गया, क्या कोई और भी वैल्यू हो सकती है क्या कि इमेज वही बन जाए? ये तो आपने रेज को रिट्रेस करवा दिया, ये तो आपने रेज को रिट्रेस करवा दिया, ठीक है। अगर रे रिट्रेस ना करें क्या तब भी ऐसा पॉसिबल था कि ऑब्जेक्ट पे ही इमेज बन जाती? पहले तो ये बताओ क्या ये वाला केस आ गया समझ? ठीक है, अब मेरा सवाल है कि अगर रेज रिट्रेस ना करें, अगर रेज रिट्रेस ना करें तो क्या तब भी ऐसा पॉसिबल था कि जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बन जाए? देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसमें। पहला केस तो आ गया हमें समझ में, ठीक है इसको मैं हटाता हूं। अगर मैं मिरर को थोड़ा दूर रख दूं, ये तो रे अपने आप रिट्रेस करके चलेगी, इसको रुको अभी छोड़ते हैं इसको, तीन जाने दो इन रेज को। ये वाली रे यहां आई और ये वाली रे यहां आई और ये दूरी हमने देखी कि ये दूरी जो है वो है 30 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर। अब देखो अगर मैं इस मिरर को इस तरह रख दूं कि ये मिरर का पोल हो, अगर मैं इस मिरर को इस तरह रख दूं कि ये मिरर का पोल हो, ये मिरर मैंने यहां रखा और इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो भाई ये मिरर का सेंटर और ये नॉर्मल हो गया, यानी कि इस जगह मिरर पे ये नॉर्मल का काम करेगा, इस जगह मिरर पे नॉर्मल का काम करेगा। तो देखो रे रिट्रेस नहीं होंगी, रे रिट्रेस नहीं होंगी। अब मैं आपको बताता हूं, सुनिए, ऊपर से एक रे आ रही है, उसका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही क्या होगा उसका एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, मैंने बिल्कुल सिमेट्रिकल रे बनाई है, तो वो वाली रे तो रिफ्लेक्ट होके इधर निकल ली, वो जो रे आई थी ये तो रिफ्लेक्ट होके इधर निकल ली, और ये जो नीचे से रे जा रही है ये रिफ्लेक्ट होके उधर निकल ली, तो वापिस ये अपने आप को रिट्रेस करते करते वहीं पहुंच जाएंगी। देखो ये डबल वाली रे मैंने बनाई है, यूं गई यूं गई यूं गई और यूं आ गई। सिमिलरली सिंगल वाली रे ऊपर बनाई, यूं गई इस तरह से गई इस तरह से गई एंड फाइनली इस तरह आ गई, तो अगेन आपकी वहीं जाके फाइनली इमेज बन रही है, क्योंकि एक रे यूं चल के रिफ्लेक्ट हो गई, एक रे यूं चल के रिफ्लेक्ट हो गई, रिट्रेस कभी नहीं किया। पिछली बार क्या हो रहा था, पिछले डायग्राम में ये रे नॉर्मली इंसिडेंट हो गई थी बीच में मिरर पे और वापिस चल पड़ी थी, ये रे नॉर्मली इंसिडेंट हुई वापिस चल पड़ी, इस बार कहीं रिट्रेस नहीं हुआ, यूं गई रिफ्लेक्ट हुई लेकिन पहुंच वही रही है, ये यूं गई रिफ्लेक्ट हुई और पहुंच वही रही है, तो इमेज तो वही बन गई। बताओ ये वाला केस आया क्या समझ? ठीक है, तो इसका मतलब डी की एक और वैल्यू मिल गई। बताओ इस बार डी कितना है? डी मतलब सेपरेशन बिटवीन लेंस एंड मिरर 30 सेंटीमीटर। अक्सर बच्चा जैसे वो नॉर्मली इंसिडेंट वाला तो बताया था, लेकिन ये दिमाग से हट जाता है क्योंकि रिट्रेसिंग ही दिमाग में रहता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है रिट्रेस ना करे फिर भी इमेज वही बन जाए। तो डी के यहां पे दो पॉसिबल आंसर्स आ गए, 10 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। कहीं एमसीक्यू आए इनमें से एक भी ऑप्शन हो तो वो आप टिक कर आएंगे, ठीक है। दो ऑप्शन होंगे तो फिर वो कॉम्बिनेशन बना के देगा किस तरह से किस तरह से नहीं। आप बताओ क्या ये वाला सवाल क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन? अब इसी को आप रिपीट करो, अगर बस एक चेंज में कर दूं कि ये मिरर
ये जो मिरर है ये कॉनकेव मैंने बना दिया और उसकी फोकल लेंथ हुई दे दी 10 सेंटीमीटर। ये जो मिरर है जैसे कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ -10 हो जाएगी। अब बताना है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की लेंस और मिरर के बीच की दूरी कितनी रखें कि जहां ऑब्जेक्ट था वहीं इमेज बन जाए, ये आपको बताना है। एक तरीका तो वही है कि इमेज को इसके पोल पे जाने दो। हाँ जी बताओ, ये तो आई गया ना समझ में, ये रे रिफ्लेक्ट होके इधर से आ जाएगी और ये रे रिफ्लेक्ट होके इधर से आ गई, एक आंसर तो सेम है। कितना एक आंसर तो सेम है कितना 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आंसर तो सेम आ गया 30 सेंटीमीटर। मिरर घुमा फिर आगे नहीं रखना है, सीधा रखना है तब होगा ये। लेकिन दूसरा आंसर वो नॉर्मली इंसिडेंट करवाना है। तो अब देखो, नॉर्मली इंसिडेंट करवाना है तो जो इसने इमेज बनवाई वो तो हमें पता है लेंस फॉर्मूला से कि 30 सेंटीमीटर दूर। ये जो इमेज बनी है पहली बार, इसको मिरर का सेंटर बना दो। तो इस बार मिरर और भी दूर करना पड़ेगा अगर आप इसको मिरर का सेंटर बनाना चाहते हो, बिकॉज ये कॉनकेव मिरर है तो इसको दूर कीजिए तभी तो इसका सेंटर इधर होगा। कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ थी कितनी -10, तो सेंटर कितनी दूर होगा, सेंटर कितनी दूर होगा 20। अब ये रे नॉर्मली इंसिडेंट होगी इस तरह से, और ये नॉर्मल इंसिडेंट तो इस बार ये रिट्रेस करेगी और वापस इमेज वही बन जाएगी। क्या दूसरा पॉइंट आया समझ, कैसे बताया? ठीक है, इसका क्या डी की क्या वैल्यू बनी अब इस बार 50 सेंटीमीटर। तो डी की वैल्यू बनी 50 सेंटीमीटर। तो इस बार दो आंसर जो आ रहे हैं, दैट आर 30 सेंटीमीटर एंड 50। पिछली बार था 10 एंड 30। तो ये दिमाग में रखना, एक तो पोल पे फाइनल इमेज पोल पे बनवा दो तो रिट्रेस हो जाएगा, रिट्रेस नहीं होगा लेकिन इमेज वही बन जाएगी, और एक है कि नॉर्मली इंसिडेंस करवा दो तो ये काम हो जाएगा। अभी बताओ क्या ये इतना सब समझ में आया जो मैंने अभी बताया यहां तक, ऑब्जेक्ट और इमेज एक जगह, और अगर प्लेन मिरर हो तब तो नॉर्मल इंसिडेंस ही होगा और वही रिट्रेस करेंगे इस तरह से। चले भाई आगे बढ़े। ठीक है, क्या प्लेन मिरर में ऐसा काम हो सकता है, ये वाला पोल वाला? देखो तो प्लेन मिरर में भी सकता है, यू रे आए किसी एंगल पे, नीचे वाले भी किसी एंगल पे आ रही थी और वो दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हुए आ गए। तो ये दोनों केसेज आपको ध्यान रखना है, पोल पे भी इमेज बन सकती है फॉर फाइनल इमेज एट ऑब्जेक्ट, और सेंटर पे भी इमेज बन सकती है, मतलब लास्ट में एक मिरर लगाना पड़ेगा। अगर कभी भी ऑब्जेक्ट पे ही आपको इमेज बनवानी हो तो लास्ट में एक मिरर होना चाहिए, या तो रे जो ऑब्जेक्ट जो आखिरी ऑब्जेक्ट का काम करे मिरर के लिए, या तो वो ऑब्जेक्ट उसके सेंटर पे हो या फिर वो ऑब्जेक्ट उसके पोल पे हो, तो जाके जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था वहीं पे आपकी इमेज बन जाया करेगी। ठीक है, चले आगे बढ़े, हो गया होगा ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम कुछ ऐसा सीखेंगे कि लेंस और प्लेन मिरर की मदद से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लिक्विड कैसे निकाला जाता है। क्या आपने सवाल लास्ट पढ़ा था कल अपनी बुक से जाके? यस सर। हुआ कि नहीं हुआ वो बताओ। हो गया सर। ठीक है, देखते हैं हम पूरा वो मेथड ही लेके चलते। कितने बच्चों से हो गया भी वो वाला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने वाला? अरे ऐसे भी है क्या जिन्होंने ट्राई किया था और हुआ नहीं है? देखिए, टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लिक्विड,
कैसे आप लेंस और प्लेन मिरर की मदद से किसी लिक्विड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकाल पाएंगे, ये हमें देखना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सुनो, हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है। एक तो चाहिए एक प्लेन मिरर और दूसरा चाहिए एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। एक प्लेन मिरर चाहिए और एक चाहिए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। देखते हैं क्या क्या होगा। देखिए, मैंने एक प्लेन मिरर दिया। आवाज नहीं आ रही, समझ कट कट के आ रही है। अब मैं तो पूरा बोल रहा हूं, वो नेटवर्क की वजह से कट कट के जा रही है, क्या करें। तो ये एक प्लेन मिरर दिया, देखो बोर्ड पे देखो, यहां से कुछ समझ में आए तो। मैंने ये एक प्लेन मिरर लिया और बीच में कुछ हिस्से में वो लिक्विड भर दिया। लिक्विड ऐसी शेप में आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर मैं रखने वाला हूं लेंस, जो कि कॉन्वेक्स लेंस है, ग्लास का बना हुआ। ये तो लिक्विड है और इसके ऊपर मैंने ये एक ग्लास लेंस रख दिया, एंड इक्वी कॉन्वेक्स ग्लास लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। और एक मैंने लिया है प्लेन मिरर, एंड बीच में ये जो डाला है, दिस इज द लिक्विड ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात होगी। ग्लास लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज कीजिए मैं म्यू बोल देता हूं, म्यू, और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन जो आपको पता लगाना है, ये हमने बोला है। तरीका क्या है, सुनिए। सबसे पहले ये एक्स एक्सिस है, सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट पे एक निडल लेके चला, ऑप्टिकल बेंच पे काम हो जाता है, और आपको ऐसी पोजीशन लोकेट करनी होगी जहां ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर जाए। एक ऐसी पोजीशन आपको क्या बोल रहे हो, एक ऐसी पोजीशन लोकेट करनी होगी जहां पे ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर जाए। पहला काम तो ये करना होगा। अभी बताओ, अभी आवाज आ रही है ठीक ठाक। हाँ जी, अभी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को। हम निकालना चाह रहे हैं इस अननोन लिक्विड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। हम ये निकालना चाह रहे हैं इस लिक्विड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो मैं क्या क्या नहीं जानता, मैं वो लिखता हूं यहां पे, कि जो अननोन चीजें हैं मेरे लिए वो मैं यहां लिखता हूं। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे लिए अननोन है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे लिए अननोन है, और
इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मुझे पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे लिए अननोन है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मुझे पता है इसका, यार आपका नेटवर्क ही गया या हमारा गया, क्या हो रहा है इसमें? तो ये तीन चार स्टेप्स में जाके ये बात बनेगी, तीन चार स्टेप्स में जाके ये बात बनेगी कि हम वहां तक पहुंच पाएंगे कि फाइनली जो लिक्विड है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कैसे निकाले। देखिए सुनिए, स्टार्ट करते हैं आगे काम। तो पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप फर्स्ट, आप एक निडल लेके चले और आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट और इमेज, आप एक निडल लेके चले और ऑब्जेक्ट और इमेज सपोज कुछ दूरी पे कॉन्साइड कर रहे हैं, ये है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, मैं कहता हूं कि कुछ दूरी डी वन पे, हाँ जी भैया, अब देखो यार बोर्ड दिखाई दे रहा है अभी, थोड़ा ज़ूम कर लो सर, एक मिनट रुको, बस ठीक है ना, अभी बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, बताओ कुछ रिप्लाई दो, आवाज सुनाई दे रही है, अब आवाज समझ आ रही है अभी? यस सर। ठीक है देखिए, तो अब इधर बोर्ड पे ध्यान दो, पिछले 5 मिनट से डिस्टरबेंस चल रही है, लगा लो, अब मैं आगे बढ़ाता हूं इस काम को। ये क्या है, एक मुझे कोई लिक्विड दिया गया है और मुझे उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना है एन। मैंने क्या किया, एक प्लेन मिरर लिया और एक इक्विकॉन्वेक्स ग्लास लेंस लिया जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे नहीं पता, बस उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पता है, अक्सर ग्लास का 3/2 होता है। तब सबसे पहले ऐसी एक सिचुएशन बना लो कि ये प्लेन मिरर लिया, उस पर कुछ लिक्विड रखा और उस पर लेंस रख दिया, और आप एक निडल लेके चलो और ऑप्टिकल बेंच पे ऐसा पॉसिबल है कि आपको पोजीशन लोकेट कर सकते हो आप जहां पे ऑब्जेक्ट और इमेज कॉन्साइड कर लिए। मैंने पहली बार ऑब्जेक्ट और इमेज कॉन्साइडिंग सिचुएशन निकाल ली और माना कि वो डिस्टेंस यहां से d1 है, माना कि वो डिस्टेंस यहां से d1 है। अब देखो यहां दो ग्लास है, ना सॉरी दो लेंस है, एक तो ये वाला है ग्लास लेंस जो इक्वी कॉन्वेक्स है और एक नीचे आपको लिक्विड लेंस दिख रहा है जो प्लेनो कॉनकेव टाइप का है, नजर आ रहे प्लेनो कॉनकेव लिक्विड लेंस, ठीक है। तो कल हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर मिरर के सामने दो लेंस कॉन्टेक्ट में आए तो पहले आप उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लो, पहले आप उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लो और फिर मिरर वाला आगे कॉम्बिनेशन चलेगा। तो देखो ये जो अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट है, इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी 1/f लेंस। अब दो लेंस है, एक तो ग्लास लेंस और एक है लिक्विड लेंस, तो ये नेट बनेगा 1/f लेंस। और आज हमने चैप्टर के सॉरी लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि अगर प्लेन मिरर के सामने कोई भी लेंस रखा हो और ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर जाएं, प्लेन मिरर के सामने कोई भी लेंस रखा हो और ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर जाए तो वो जो डिस्टेंस है वो सामने रखे लेंस की फोकल लेंथ होती है। आज ही किया था ना ये पहला सवाल आज का, बताओ ध्यान है आज का पहला सवाल, ठीक है। तो सुनिए, इसका मतलब इस सिस्टम की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, मैं मिरर के साथ नहीं कह रहा, मिरर के साथ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ नहीं, ओनली ये जो लेंस ऊपर रखे हुए, ये जो लेंस ऊपर रखे हुए इनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ बोथ द लेंसेज,
वो आपकी डी वन होगी अगर ये डिस्टेंस डी वन है तो. तो दिस इज वन अपॉन एफ लेंस, तो ये आपका वन अपॉन डी वन आ गया. ठीक है, ये आपका आया वन अपॉन डी वन. तो यहां से मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, वन अपॉन एफ ग्लास लेंस प्लस वन अपॉन एफ लिक्विड लेंस दैट इज इक्वल टू वन अपॉन डी वन, इक्वेशन नंबर वन. अब दूसरा स्टेप क्या किया जाता है, इस लिक्विड को रिमूव करके डायरेक्ट, इस लिक्विड को रिमूव करके डायरेक्ट इस लेंस को इसके ऊपर रख दिया जाता है दूसरे स्टेप में यूं. ये आपका सेकंड स्टेप है. अब देखो सेकंड स्टेप में अगर आप देखोगे, आपने फिर दोबारा देखा कि ऑब्जेक्ट और इमेज कितनी दूरी पे कॉन्साइड कर रहे हैं, और आपको पता लगा कि इस बार ऑब्जेक्ट और इमेज कॉन्साइड कर रहे हैं डी टू डिस्टेंस पे. तो आज का पहला ही सवाल है, यानी कि D2 को मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि D2 इस लेंस की क्या है, फोकल लेंथ. तो मेरे पास आ गया ये जो ग्लास लेंस है इसकी फोकल लेंथ आ गई. तो दूसरे डायग्राम से आपकी इक्वेशन बनती है कि F ग्लास दैट इज इक्वल टू D2, इक्वेशन नंबर टू. हाँ जी भाई बताओ, समझ में आया ये दो स्टेप, पहले दो स्टेप? यस सर. ठीक है, तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप अब मैं बताता हूं. एनसीआरटी में तो क्वेश्चन 45 डिग्री और 30 के साथ है. आज से दो तीन साल पहले ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, दो साल या तीन साल पहले, और उसमें ये 30 और 45 की जगह एक्स और वाई कर दिया गया था. एक्स और वाई जो उस सवाल को रट के गया उससे वो एक्स और वाई वाले नहीं हुए, और जो ये स्टेप समझ के गया वो एक्स और वाई के कर गया. ये बोर्ड की बात है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की. हालांकि उसी साल हमने तो जो हम आपको सीपीपी देते हैं तो उसमें यही क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन बना के दिया था बच्चों को, चार पांच पार्ट्स में. मैंने डी वन डी टू लिए थे, वो बोर्ड एग्जाम में एक्स वाई आया था. तो एक ट्रेंड है, ये एक ट्रेंड है कि सीबीएसई या नीट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को थोड़ा जनरलाइज करके पूछ रहे हैं. जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा था वो मिरर को 3.5 डिग्री से टर्न किया तो वो 7 डिग्री से टर्न हुआ था, तो रे कितना चली उस पर देखा था ये वाला सवाल, स्पोर्ट वाला. अरे याद आ रहा है एक क्वेश्चन, प्लेन मिरर था 3.5 डिग्री. तो अब वो क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो था वैल्यूज के साथ, लेकिन मैंने आपको फिर एक दिन सीपीपी में दिया था शायद कि वो नीट एग्जाम में आया था विदाउट न्यूमेरिकल वैल्यू सेम क्वेश्चन. तो इस तरह से आप समझो इस चीज को. चलो भाई दो काम हो गए. तीसरा स्टेप देखो, ये पहला स्टेप हुआ, ये दूसरा स्टेप हुआ, तीसरा स्टेप. अब अगर ग्लास लेंस की फोकल लेंथ पता लग गई है तो लेंस मेकर फॉर्मूला से उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, बिकॉज जो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वही लिक्विड लेंस की एक साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा. लिक्विड का अपना तो कोई कर्वेचर होता नहीं है, जो चीज उस पर रखी हुई है उसी का कर्वेचर, इस लिक्विड का कर्वेचर है. तो यहीं से तीसरा स्टेप स्टार्ट हो जाता है, यहीं से थर्ड स्टेप स्टार्ट हो जाता है. क्या कि ग्लास की जो फोकल लेंथ है इस लेंस की, मान लो इसकी एक साइड इक्वी कॉन्वेक्स है, मतलब अगर एक का रेडियस आर है तो दूसरे का माइनस आर बोला जाएगा, भाई इसका सेंटर तो इधर आर और दूसरे का उधर है. तो ये आपने फॉर्मूला लगाया वन अपॉन एफ ग्लास एंड रिलेटिव, बाहर तो एयर मानना है और एंड रिलेटिव तो वन है, और एंड रिलेटिव में हो जाएगा म्यू अपॉन वन. तो म्यू माइनस वन इंटू वन बाई आर माइनस वन बाई माइनस आर. बताओ एक बार इसको देख के फॉर्मूला लगाना आ गया कि नहीं? हाँ जी बोलिए, तीसरा स्टेप आ रहा है समझ में? ठीक है, ये आपका था फर्स्ट स्टेप, ये था आपका सेकंड स्टेप. अब थर्ड स्टेप में मैं आर निकाल रहा हूं, तो एफ ग्लास आपका डी टू है, ये आपने इसकी जगह रख दिया डी टू इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, ये वन बाई आर प्लस वन बाई आर हो गया टू बाई आर. और यहां से मैं आर निकाल लाया, आर की वैल्यू होगी क्रॉस मल्टीप्लाई किया टू टाइम्स म्यू माइनस वन इंटू डी टू. आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता लग गया, दिस इज द इक्वेशन नंबर थ्री. ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया. चौथा स्टेप, जब एफ ग्लास लेंस आ चुका है तो एफ लिक्विड लेंस निकाल लो. फोर्थ स्टेप देखिए आप, फोर्थ स्टेप फाइंड एफ ऑफ लिक्विड लेंस. एफ ऑफ लिक्विड लेंस कैसे निकालें भाई? एफ ग्लास डी टू आ गया उसमें पुट कीजिए,
इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन, इक्वेशन टू को आप पुट कीजिए इक्वेशन नंबर वन में। तो देखो एफ ग्लास को आपने रखा वन बाई डी टू प्लस वन अपॉन एफ लिक्विड दैट इज इक्वल टू वन अपॉन डी वन, ये उधर जाके घटेगा तो माइनस वन अपॉन डी टू हो जाएगा, ये घटेगा तो माइनस वन अपॉन डी टू आ गया, और यहां से एफ लिक्विड आ गया एलसीएम लोगे डी वन डी टू वो तो ऊपर चला गया, और ये बचेगा डी टू माइनस डी वन, डी वन डी टू अपॉन डी टू माइनस डी वन, इक्वेशन नंबर चार। आप बताओ चार स्टेप, पहले चार स्टेप समझ में आ गए हैं क्या? Yes, sir. देखो ध्यान से सुनो, पहले स्टेप में हमने कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ निकाली क्योंकि नीचे प्लेन मिरर है, दूसरे स्टेप में लिक्विड रिमूव करके खाली ग्लास लेंस की फोकल लेंथ निकाली, तीसरे स्टेप में खाली ग्लास लेंस के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला लगा के उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला, चौथे स्टेप में जो ग्लास लेंस की फोकल लेंथ आई थी उसका इक्वेशन वन में यूज करके लिक्विड लेंस की फोकल लेंथ निकाली, अब पांचवा और आखिरी स्टेप केवल लिक्विड लेंस, केवल लिक्विड लेंस पे लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना है, केवल लिक्विड लेंस को देखो। तो अगर मैं लिक्विड लेंस को देखता हूं जिसका अननोन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है जो आप निकालना चाह रहे हो, वो देखिए आप फिफ्थ स्टेप, आपने लिक्विड लेंस बनाया, ये इस तरह की शेप का लिक्विड लेंस बना, क्या फोकल लेंथ इस बात पर डिपेंड करेगी कि इधर पॉजिटिव डायरेक्शन मानी कि इधर पॉजिटिव डायरेक्शन मानी किसी भी लेंस में? बताओ फोकल लेंथ इस बात पर डिपेंड करती है क्या? नहीं करती। तो आप जो मन करे उसको पॉजिटिव मानो, क्योंकि रे उल्टी भी जानी है, मान लो ये पॉजिटिव है, कोई सा भी आप मानो, सपोज ये पॉजिटिव मान लिया आपने, अब ये तो आर वन हो गया और ये आर टू हो गया, तो आर वन तो प्लेन है नीचे, लिक्विड की अपनी तो कोई सरफेस होती नहीं है, लिक्विड की जो शेप होगी वो साइड वाले की शेप है, तो यहां आर वन तो इनफाइनाइट हो गया, आर टू कितना होगा? आर टू भाई माइनस आर की प्लस आर, जिस तरह से आपने अभी पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाई है, आपने ये दिखाई है ये शेप ऐसी है, तो इस शेप का जो सेंटर है वो इधर है और आपने इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रखा है, तो आर टू प्लस आर होगा कि माइनस आर होगा? प्लस आर। देखो अगर कोई बच्चा नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता ना, नीचे वाली डायरेक्शन को, तो आर वन होता माइनस आर और आर टू हो जाता इनफाइनाइट, समझ गयो? अगर नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते तो आर वन होता माइनस आर और आर टू हो जाता इनफाइनाइट, ठीक है। अब आपने फॉर्मूला लगाया लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर लिक्विड लेंस, तो वन अपॉन एफ लिक्विड दैट इज इक्वल टू एन जो आपको निकालना है माइनस वन इंटू वन बाई आर वन दैट इज इंफिनिटी माइनस वन बाई आर टू दैट इज आर, तो यहां से आया एन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस, ये तो जीरो हो गया, माइनस मल्टीप्लाई होने आएगा माइनस आर अपॉन एफ लिक्विड, माइनस आर अपॉन एफ लिक्विड, और यहां से अगर मैं एन ऑफ लिक्विड निकालू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड तो वो निकल के आ रहा है वन प्लस ना सॉरी वन उधर गया वन माइनस आर अपॉन एफ लिक्विड। क्या आपने एफ लिक्विड अभी निकाला था? ये रहा डी वन डी टू अपॉन डी टू माइनस डी वन, तो आपका n निकल के आया 1 माइनस डी वन डी टू अपॉन डी टू माइनस डी वन। अब ये बताओ क्या रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कभी एक से छोटा हो सकता है? क्या किसी भी चीज का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कभी एक से छोटा हो सकता है क्या? नो सर, कभी नहीं हो सकता है। तो इसको वन प्लस की तरह दिखाओ, वन माइनस की तरह कंफ्यूज हो गए, वन प्लस एक माइनस कॉमन ले लिया तो ये बचा डी वन डी टू अपॉन और नीचे हो जाएगा डी वन माइनस डी टू। पर ये पांच स्टेप हैं इस पूरे प्रोसेस के, ये पांच स्टेप है इस पूरी प्रोसेस के जो इस सवाल में आपसे करवाया जाएगा, अभी आएंगे उस काम पे, लेकिन एक बार देखो एक अच्छा क्वेश्चन है ये, नीट में या बोर्ड में कहीं भी आ सकता है, बोर्ड में आ भी चुका है अच्छे तरीके से एक्स वाई की तरह से जो हमने डी वन डी टू लिया उस तरीके से। देखो एक इक्वी कॉन्वेक्स ग्लास लेंस है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू,
उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमें पता था, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं पता था। उसकी मदद से मैं किसी अननोन लिक्विड का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, लिक्विड और लेंस दोनों यूज कर लिए, ग्लास लेंस और लिक्विड प्लेन मिरर के ऊपर। पहली बार मैंने ऑब्जेक्ट इमेज कहां कॉन्साइड की, वो डिस्टेंस निकाली, वो केवल और केवल ऊपर रखे हुए लेंस की फोकल लेंथ है। तो ऊपर तो दो लेंस रखे, तो वो हमने ये फॉर्मूला लगा के लेंस की फोकल लेंथ निकाली और उसको D1 से इक्वेट कर दिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, फिर लिक्विड रिमूव किया तो ये डायरेक्ट आएगा कि एफ ग्लास लेंस D2। और फाइनल फॉर्मूले में D1 माइनस D2 आ रहा है, इसका ये मतलब है कि D1 बड़ा होगा D2 से, क्योंकि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमेशा एक से बड़ा होता है, तो D1 बड़ा होगा D2 से, नहीं तो फिर ये एक से छोटा ही हो जाएगा, ये पॉजिटिव नंबर है आगे। यानी कि जब आप लिक्विड को रिमूव करोगे तो वो ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आना चाहिए। और फिर दोबारा से ये स्टेप सेकंड निकाला, फिर दूसरे स्टेप से ही आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लिया इस लेंस का, ठीक है। फिर उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस D2 का वाई यूज करके लिक्विड लेंस की फोकल लेंथ निकाल ली। फिर हमने लिक्विड लेंस अलग से बनाया, आपका मन करे तो ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव आना, मन करे तो नीचे वाली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आना है। एंड फाइनली इसका एक साइड का तो रेडियस वही होगा जो ग्लास लेंस का है, आपको R1 R2 क्या लेने, वो डिपेंड करता है कि आपकी डायरेक्शन क्या है। और यहां से आपने रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकाला ना, सॉरी लिक्विड निकाला, तो आया 1 plus D1 into D2 upon D1 minus D2। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए आप अपनी बुक में आए एक बार, आप क्वेश्चन नंबर 38 तो खैर मेरी बुक में है, आपकी बुक में कोई और क्या नंबर है आपकी बुक में, भाई निकाल लिया क्वेश्चन, देख रहे हो अपनी किताब में 32। देखिए इसमें लिखता है, शुरू में जब ऑब्जेक्ट सॉरी लिक्विड भी था तो डिस्टेंस ऑफ निडल जब वो दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं ऑब्जेक्ट इमेज, तो वो थी 45 सेंटीमीटर। अब मैं डायरेक्ट अगर एनसीआरटी लास्ट क्वेश्चन पे चलूं, एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, तो मैं केवल ये लिखूंगा D1, बताओ मुझे D1 कितना दे रखा है, 45 सेंटीमीटर। D2 कितना दे रखा आप ये बताएं, 30 सेंटीमीटर। पूछा है लिक्विड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, चलो जी मेरे पास तो एक फॉर्मूला बैठा है नीचे, 1 plus D1 D2 upon D1 minus D2। अब देखो D1 into D2 मतलब 45 into 30, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ये सेंटीमीटर में चल रहा है, 45 into 30 डिवाइडेड बाई D1 minus D2 है 15, D1 minus D2 है 15, 15 × 3 = 45, 30 × 3 = 90 सेंटीमीटर आ गया। मैं अगर ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे, D1 D2 upon D1 minus D2, तो 45 1 प्लस 45 इंटू 30 अपॉन 45 माइनस 30 15 D1 minus D2, 15 × 2 = 30, 90 सेंटीमीटर यानी कि 0.9, 1.9 आ गया, 1.9 तो नहीं है इसका आंसर, 1.9 तो है नहीं, ये तो शायद लिक्विड वाटर ही है, 4/3 1.33 होगा आंसर, देखना एक बार पीछे, नहीं है सर, है ना, इट मींस हमारे फॉर्मूले में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है, इसमें कहीं ना कहीं कोई गलती है, एक बार देखते हैं, एक बार देखो भाई, नहीं तो फिर ये स्टेप्स एक एक फॉलो करना ही पड़ेगा इस सवाल के लिए। पहला स्टेप हमने लगाया कंबाइन के लिए, D1 पे वो कॉन्साइड कर रहे हैं, तो 1/F glass + 1/F liquid, ठीक है ये लिखा हुआ है। दूसरा स्टेप D2 पे, ये भी ठीक है। फिर आपने ग्लास लेंस के लिए, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, तो म्यू इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स -1 × 1/R1 2 × μ-1, आर आपका आया 2 × μ-1 × D2, ठीक है, तो हमने शायद इस R की वैल्यू गलत पुट कर दी। ये देखो R/F liquid है यहां पे, है ना, 1 minus R/F liquid ये वाला था ना आपको यहां पे, अब यहां पे आपने वैल्यूज ही गलत पुट किए हैं आखिरी स्टेप में आके। लास्ट स्टेप में एक बार रिपीट करता हूं, लास्ट वाला स्टेप रिपीट करते हैं ताकि इस चीज को हम समझ पाए ध्यान से। आखिरी स्टेप देखिए, 1/F liquid = n-1 into this, तो
तो यहां से n माइनस वन आ गया माइनस r अपॉन f लिक्विड, यानी कि n निकल के आ रहा है वन माइनस r अपॉन f लिक्विड। अब r कितना है, r तो ये रहा टू टाइम्स म्यू माइनस वन इंटू डी टू, और f लिक्विड कितना है d1 d2 अपॉन d2 माइनस d1। तो मैं अगर इसमें पुट करूं तो n इज इक्वल टू वन माइनस, मैं यहां पे बीच में थोड़ी जगह बना के यहां करता हूं, n इज इक्वल टू वन माइनस आर अपॉन एफ लिक्विड, r ये रहा टू टाइम्स म्यू माइनस वन इंटू डी टू अपॉन एफ लिक्विड, एफ लिक्विड ये रहा डी वन डी टू और ऊपर गया डी टू माइनस डी वन। देखो डी टू से डी टू कैंसिल, एक माइनस बाहर ले आओ ताकि ये प्लस बने, क्योंकि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एक से बड़ा होगा, तो वन प्लस टू टाइम्स म्यू माइनस वन इंटू डी वन माइनस डी टू अपॉन डी वन, ये होगा इस क्वेश्चन का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो आएगा, इस लिक्विड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वही आएगा, हमने लास्ट में बस वैल्यूज गलत पुट की थी, ये आएगा। अब फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप चाहें तो सीधा याद कर सकते हैं, और नहीं तो ये आने के बड़े चांसेस हैं, ये क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो फॉर एमसीक्यू आप चाहें तो ये फॉर्मूला सीधा याद कर सकते हैं ऐसे किसी भी सवाल में, और नहीं तो फिर बोर्ड में आता है या कहीं और आता है तो आपको स्टेप पूरे दिखाने होंगे। अब फिलहाल देखिए, फिलहाल ये लगाते हैं इसमें डी वन इस सवाल में दिया है 45 और डी टू 30, कितना आ रहा है देखो वन प्लस टू इंटू, ये ग्लास लेंस है, ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 45 आ रहा है, कितना आ रहा है 16/45, देखते हैं सेकंड रुको, 1 प्लस 2 इंटू म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1 इज 0.5, डी वन माइनस डी टू, डी वन माइनस डी टू इज 15 अपॉन डी वन, डी वन इज 45, ये 1 हो गया, 0.5 इंटू टू 1, तो ये 1/3 आया, 1 प्लस 1/3 कितना आ रहा है ये 4/3, 1.33, यही आंसर है ना इस सवाल का आपका, ठीक है। अब देखो मैंने आपको स्टेप्स बता दिए कि कैसे ये क्वेश्चन करना चाहिए था, चार पांच स्टेप्स में जाके ये हो रहा है पूरा, और ऐसे सवाल के लिए या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि एक अच्छा मेथड है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालने का, अगर आप याद रखना चाहें फॉर एमसीक्यू, बिकॉज इसमें दो तीन स्टेप में टाइम लगता है, एमसीक्यू आप ये आंसर याद कर सकते हैं, फॉर्मूला तो क्या कहूं, ये आंसर है 1 प्लस 2 टाइम्स म्यू माइनस 1, म्यू इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है ऊपर रखे हुए लेंस का, डी वन माइनस डी टू, डी वन बड़ी लेंथ है, डी टू छोटी लेंथ है, डी वन वो पहले वाली लेंथ होगी डी टू रिमूव करने के बाद, डिवाइडेड बाई डी वन। हमने आखिरी स्टेप में थोड़ी देर पहले गलती की थी, फॉर्मूला ढंग से पुट नहीं किया था, लेकिन ये इस तरह से होगा। अभी बताओ क्या ये पूरा मेथड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालने का पूरा मेथड आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और जब एनसीईआरटी का आखिरी सवाल ही हो गया है तो इसका मतलब रिफ्रेक्शन थ्रू ए लेंस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ, बिकॉज अगला जो काम है वो तो प्रिज्म वाला होना है, वो तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन अब आज का जो भी टाइम बचा है मैं लेंस पे ही कुछ और चीजें आपको बता रहा हूँ। चले इसको हटाएं, एक घंटा हो गया आज यही डिस्कस हुआ है अभी तक, आ गया ना समझ में, अब इसके बाद देखो एक चीज होती है स्लाइड प्रोजेक्टर, आपने स्कूलों में देखा होगा प्रोजेक्टर बोलते हैं, प्रोजेक्टर क्या होता है, सामने एक स्क्रीन है जैसे यही स्क्रीन है, पीछे एक प्रोजेक्टर होगा, उससे डायरेक्ट इस पर एक बड़ी इमेज बन जाती है चीजों को दिखाने की, प्रोजेक्टर सुना है ना क्या होता है क्या नहीं, हाँ भाई प्रोजेक्टर देखा है कि नहीं बताओ, ठीक है। तो सुनो प्रोजेक्टर कैसे काम करता है, उसमें लेंस का क्या यूज होता है वो सुनिए, मान लो ये कोई स्लाइड है, आपको ये नहीं दिखेगी, आपको तो स्क्रीन पे दिखेगा, ये एक छोटी सी स्लाइड है कहीं आपने लगा रखी है, ठीक है। ये स्लाइड का के कुछ डायमेंशंस है, स्लाइड के कुछ डायमेंशंस है, जैसे मान लो ये वाली डायमेंशन ए है
और ये वाली डायमेंशन है बी, मतलब कुछ लिखा हुआ है ये इस तरह का है, कोई फोटो है इस तरह की। अब इससे प्रोजेक्टर के अंदर कुछ दूरी पे होता है प्रोजेक्शन लेंस, कुछ दूरी पे होता है प्रोजेक्शन लेंस, ये इस तरह से है। इस लेंस, ये बाइकोनवेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ मान लो f है, वो f पॉजिटिव है। तो ये जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है f1 और 2f1 के बीच में रखा जाता है कहीं, f1 मतलब f दूरी पे और 2f1 मतलब 2f दूरी पे। इसके बीच में ये ऑब्जेक्ट कहीं आपने रख दिया, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जहां भी है उसकी पोजीशन को हम बोल देते हैं, जैसे पहले बोलते थे u0, ये ऑब्जेक्ट है। आप बताओ वो टेबल वाली बात अगर आपको याद हो, टेबल वाली बातें मैंने बीच में छोड़ दी थी एक दिन आपके लिए करने के लिए, ध्यान है क्या? मैंने कहा था टेबल अब अपनी कंप्लीट करना और ग्राफ वगैरह बना लेना, याद है? कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये सब चीजें, मिरर में तो मैंने एक एक चीज करवाई थी, लेंस में आपके लिए छोड़ दी थी भी ये कर लेना, बिकॉज उसमें बीच में डिस्प्लेसमेंट मेथड आ गया था, तो हम उसी की डिटेल में चले गए थे और फिर नेक्स्ट डे अपने और टॉपिक्स पे चले गए थे। तो अब देखो आप बताओ अगर 2f1 से f1 के बीच में है तो रियल इमेज बनेगी कि वर्चुअल इमेज बनेगी? रियल। देखो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होता है तो उधर सेकंड फोकस पे इमेज बनती है, जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे आता है तो इमेज 2f2 पे पहुंच जाती है, और जब 2f1 से f1 चलता है तो 2f2 से, और आपको ध्यान होना चाहिए 2f2 से और इंफिनिटी के बीच में इमेज बनती है, और 2f2 से इंफिनिटी के बीच में ये जो रेंज है जब यहां इमेज बनती है तो ये बनती है रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड इमेज, ये बनती है। अब कुछ दूरी पे स्क्रीन होगी जहां पे इमेज आ रही होगी, कुछ दूरी पे ये जैसे कि ये एक बड़ी स्क्रीन है, ये एक बड़ी स्क्रीन है जिस पे इमेज बन के आएगी, इस तरह से, और इमेज जहां बनेगी उसका कोऑर्डिनेट होगा v 0। अच्छा इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो आपको तो स्क्रीन पे इन्वर्टेड नहीं दिखती, आपको तो सीधी दिखती है, तो इसलिए क्या करते हैं कि जो स्लाइड को रखते हैं, स्लाइड ही कैसी लगाते हैं उसमें प्रोजेक्टर में, इन्वर्टेड स्लाइड। क्यों? इन्वर्टेड स्लाइड लगाने का फायदा क्या होगा? उसको जब इन्वर्ट करके यहां दिखाओगे तो आपको कैसी इमेज दिखेगी? इरेक्ट इमेज। समझ में आ रहा है क्या क्या हुआ है भाई? वैसे तो वो इन्वर्टेड इमेज बनाता, तो इसको ही उल्टा कर दो ताकि वो सीधी दिखे आपको स्क्रीन पे। बताओ स्लाइड प्रोजेक्टर की फंक्शनिंग समझ में आई है, किस तरह से काम करता है? yes. ठीक है, और इमेज दूर बनी है इसलिए मैग्निफाइड बनेगी, मैग्निफिकेशन आप निकाल सकते हो लेंस का फॉर्मूला v/u, भाई ये दूरी आपकी v है क्योंकि v पॉजिटिव है और ये u नेगेटिव है, तो ये डिस्टेंस है -u, तो आप मैग्निफिकेशन जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है दैट इज v/u, वो नेगेटिव आएगा लेकिन हम इसका मोड ले लेंगे, भाई उतने टाइम्स मैग्निफाइड इमेज बनेगी, उतने टाइम्स मैग्निफाइड इमेज बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। मतलब क्या? यहां पे इस तरह से लगा होगा तो वहां पे ये सीधा होके हमें दिखेगा यू, m टाइम्स मैग्निफाई होके, ये उल्टा लगा था तो वो सीधा दिखेगा, कोई अगर यू लगी है अंदर की तरफ तो वो बाहर की तरफ मैग्निफाई होके आपको दिखेगी यू। सपोज कीजिए ये जो मैंने दो एरो लगाए, ये जो दो एरो लगाए, मान लो ये पूरा स्लाइड ही ऐसी है, यहां से लेके यहां तक ही एरो है और ये वाला एरो यहां से लेके यहां तक है इस तरह से, तो उसमें पूरे को कवर करते हुए आपको मिलेगा। अब देखो ये जो वर्टिकल एरो है, वर्टिकल एरो, इसकी लंबाई बी है, इसकी लंबाई बी है, तो आपको वहां जो वर्टिकल एरो दिखेगा उसकी लंबाई दिखेगी मोड एम टाइम्स बी, मोड एम टाइम्स बी।
ये हॉरिजॉन्टल एरो है, इसकी लंबाई ए है, तो ये जो उल्टा होगा इधर की तरफ हॉरिजॉन्टल एरो दिखेगा, इसकी लंबाई होगी मोड एम टाइम्स ए। तो अगर यहां पे एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट की बात की जाए, एरिया ऑफ स्लाइड की बात की जाए, तो वो तो कितना है ए इंटू बी, लेकिन अगर मैं एरिया ऑफ इमेज की बात करूं, एरिया ऑफ इमेज, तो होगा मोड एम इंटू ए और मोड एम इंटू बी। अब मोड तो हटाओ क्योंकि स्क्वायर आ रहा है, यानी कि एम स्क्वायर इंटू ए बी, यानी कि जो एरिया है इमेज का वो एम स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है एक स्लाइड प्रोजेक्टर में, एरिया जो है वो एम स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा स्लाइड प्रोजेक्टर में, लेकिन बदले में इंटेंसिटी कम हो जाती है। इस बात का आप ध्यान रखना, इस बात का आप ध्यान रखना कि इंटेंसिटी इंटू एरिया, इंटेंसिटी इंटू एरिया कॉन्स्टेंट होता है जब आप किसी चीज को मैग्निफाई करते हो। तो अगर पूछा जाए जो ओरिजिनल स्लाइड थी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है या जो इमेज आपको दिख रही है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, बताओ। जो ओरिजिनल स्लाइड थी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है या जो इमेज आपको दिख रही है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, बताएंगे। अरे बताओ भाई, एरिया किसका ज्यादा है, स्लाइड का कि इमेज का? एरिया इमेज का ज्यादा है, तो बदले में उसकी इंटेंसिटी इतने टाइम्स कम हो जाएगी, यानी कि जब आप इस पे देखोगे तो इंटेंसिटी डिक्रीजेस 1/m² टाइम्स, एम स्क्वायर टाइम्स एरिया बढ़ता है तो इंटेंसिटी इतने टाइम्स कम हो जाती है। चलो भाई ये बताओ, स्लाइड प्रोजेक्टर की वर्किंग थ्रू लेंस समझ में आई कैसे काम करता है? ठीक है, एक सवाल दूं मैं इस पे, आप करके दिखा सकते हैं अभी। हाँ जी, एक क्वेश्चन करोगे इस पे स्लाइड प्रोजेक्टर पे? मान लीजिए आप देखो, आपको करना है ट्राई, इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, आप अलग डायग्राम बना लेंगे, ये इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ये दिया है जो ये प्रोजेक्टर लेंस है इसकी, और स्लाइड का साइज दिया है 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर, स्लाइड का साइज है 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर, ये स्लाइड का साइज दिया गया है, और ये बोला है कि इट थ्रोज द इमेज, मतलब ये लेंस, द लेंस थ्रोज द इमेज ऑन ए स्क्रीन 5 मीटर फ्रॉम द लेंस, यानी कि ये जो दूरी है, ये दूरी आपको कितनी दे दी है 5 मीटर, इमेज जो मिली है स्क्रीन पे, वो स्क्रीन की दूरी लेंस से 5 मीटर है। क्या क्या दे रखा है सुनिए, फोकल लेंथ दे दी 10 सेंटीमीटर, वी दे दिया एक तरह से आपको 5 मीटर, और साथ में इसके साइज दे दिया 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर, ये मीटर में होगा, ये सेंटीमीटर भी नहीं, मीटर में होगा, दूर होती है थोड़ी तो इतनी। अब आपको क्या बताना है, सबसे पहला सवाल, साइज ऑफ द पिक्चर ऑन द स्क्रीन, ये जो 2x2 की स्लाइड थी इसका वहां क्या साइज नजर आएगा ये बताओ, साइज ऑफ द पिक्चर ऑन द स्क्रीन। एम निकाल दो तब जाके बात बनेगी। पहले यू निकालो मिरर इक्वेशन, लेंस इक्वेशन से यू निकालो तब जाके बात बनेगी आगे। कैसे निकाले लेंस इक्वेशन से यू, 1/v, v आपको दे रखा है 5 मीटर, मतलब 500 सेंटीमीटर, -1/u वो नेगेटिव आएगा अपने आप, इज इक्वल टू 1/f, f है 10, तो यहां से 1/u आ गया,
इसको इधर ले आओ, तो 1/500 - 1/10, तो 1/u आ गया एलसीएम 500 1 - 50, तो 1/u आ गया -49/500, तो u आ गया -500/49 cm। आप बताओ u निकालना आया लेंस इक्वेशन से? हाँ भाई बोलिए, u कैलकुलेट करना आ गया लेंस इक्वेशन से? ठीक है, अब इससे m निकालो v by u। अब आप m निकालो v by u, तो अगर आप m निकालेंगे v by u करेंगे तो v v कितना है 500 सेंटीमीटर by u, u करेंगे तो -500/49, ये गया, तो मैग्निफिकेशन आ गया -49, इन्वर्टेड इमेज होगी और 49 टाइम्स बड़ी होगी। तो बताओ इमेज का साइज कितना होगा? अगर 2/2 का ऑब्जेक्ट है तो इमेज का साइज कितना होगा? मैग्निफिकेशन आ गया -49, तो अगर 2/2 का ऑब्जेक्ट है तो इमेज कितनी बड़ी होगी ये आपको बतानी है। अरे 49 टाइम्स हर एक लेंथ को बढ़ा दो, ये लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ कितनी होगी, 49 × 2 कितनी होगी 98, ये लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ भी 98, यानी कि जो आपको साइज मिलेगा 98/98 मिलेगा, और मैग्निफिकेशन देखें तो ये 49 का स्क्वायर टाइम्स हो गया एरियल मैग्निफिकेशन। एक बार ये बताओ क्या स्लाइड प्रोजेक्टर पे पहला पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब दूसरा पार्ट, पहला पार्ट ठीक है बच्चे कर ही आते हैं इस तरह से थोड़ा दिमाग लगा के, दूसरा पार्ट रेशियो ऑफ इल्यूमिनेशन ऑफ स्लाइड टू दैट ऑफ द पिक्चर ऑन द स्क्रीन, रेशियो ऑफ इल्यूमिनेशन ऑफ स्लाइड टू दैट ऑफ द, इल्यूमिनेशन मतलब इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी ऑफ स्लाइड टू इंटेंसिटी ऑफ पिक्चर ऑन स्क्रीन, ये बताना आपको, आपको ये बताना है सेकंड पार्ट में कि इंटेंसिटी ऑफ स्लाइड मतलब जो ऑब्जेक्ट है अपॉन इंटेंसिटी ऑफ पिक्चर जो स्क्रीन पे है, इल्यूमिनेशन मतलब इंटेंसिटी का रेशियो, ये कितना होगा, ये कैसे निकालें? कैसे निकालें? इसका यूज करो इंटेंसिटी इंटू एरिया, इंटेंसिटी इंटू एरिया कॉन्स्टेंट है, इंटेंसिटी इंटू एरिया कॉन्स्टेंट है, तो आप इस चीज का यूज कीजिए। अगर इंटेंसिटी इंटू एरिया कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ स्लाइड इंटू एरिया ऑफ स्लाइड इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ पिक्चर इंटू एरिया ऑफ पिक्चर, तो इंटेंसिटी ऑफ स्लाइड इंटू एरिया ऑफ स्लाइड है 2/2 4 cm², 2/2 ही मैं लिख देता हूं, सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ पिक्चर, एरिया ऑफ पिक्चर आया 98/98 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गए। तो मैं अगर देखता हूं तो आई स्लाइड अपॉन आई पिक्चर कितना हो रहा है, ये गया नीचे तो 49 × 49। बताओ भाई ये वाला सवाल आया क्या समझ में, कैसे किया है? हाँ जी बोलिए, ये रेशियो ऑफ इल्यूमिनेशन या रेशियो ऑफ इंटेंसिटी क्लियर हुआ कैसे निकाला इसमें? अरे जवाब दिया ब्रो, आप लोग बोलते ही नहीं हो, क्या मेरी आवाज सुन नहीं रहे हो क्या? स्क्रीन ढंग से नहीं दिख रही, बहुत ब्लर हो रही है। किसी को भी नहीं दिख रही, एक भी बच्चे को? तो देखो ये तो हमेशा साफ दिख रहा है, क्लियर है, तो देखो तो ये बताओ क्या ये इंटेंसिटी वाली बात समझ में आ गई है क्या, कैसे निकाली हमने रेशियो?
ठीक है। और इसमें एक खास बात क्या है, अगर आप इस रेशियो को उल्टा करें तो इंटेंसिटी ऑफ पिक्चर ऑन द स्क्रीन वो बहुत कम है, वो स्लाइड के मुकाबले 49/49 टाइम्स कम है। इसीलिए आपने देखा होगा, इसीलिए देखा होगा यह पिक्चर रोल होता है या कुछ भी होता है, क्या रूम को डार्क रखते हैं कि नहीं, जहां भी प्रोजेक्टर से आपको कुछ दिखाया जाता है क्या रूम को डार्क रखा जाता है कि नहीं, ठीक है। क्यों, उसका कारण ये है, उसका कारण ही ये है कि जो स्क्रीन पे आप इतनी बड़ी इमेज बना के देख रहे हो तो इंटेंसिटी कम हो रही है बहुत। ये हमने देखा अभी कि स्लाइड इतनी पावरफुल सोर्स लेना होगा तब भी आपको हल्की सी इंटेंसिटी नजर आ रही है, तो कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो वो क्लियर नजर आए, इसीलिए रूम डार्क रखा जाता है। तो स्लाइड प्रोजेक्टर जहां यूज करें दो बातों का ध्यान रखना होता है, एक तो जो लाइट सोर्स है, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है दैट मस्ट बी यू बी वेरी पावरफुल, सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी वेरी पावरफुल, सोर्स ऑफ लाइट मतलब जहां से रेज जाएंगी, सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी वेरी पावरफुल, क्योंकि इससे कई गुना कम आपको वहां इंटेंसिटी मिलने वाली है, तो अगर इसकी कम होगी तो वहां क्या दिखेगा। और दूसरी बात, द रूम शुड बी डार्क, ताकि हमारा ध्यान खाली उस स्क्रीन पे जाए और हम वो चीज समझ पाए। तो ये बताओ स्लाइड प्रोजेक्टर वाला सवाल पूरा क्वेश्चन, और खासकर ये इंटेंसिटी वाला फर्स्ट पार्ट तो वैसे ही था कि आप लेंस इक्वेशन और उनसे लगा सकते थे, लेकिन खासकर ये इंटेंसिटी वाला ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया बताओ। आवाज क्लियर नहीं है यार, मैं ना बस इस लेक्चर को फिनिश करने वाला हूँ, बिकॉज कभी जैसे आवाज क्लियर नहीं हो पा रही, कभी आपको पिक्चर ब्लर नजर आ रही है, तो ये सब तो नेटवर्क की दिक्कत की वजह से होती है। आप जब इसका वीडियो लेक्चर देखेंगे, किसी भी दिन कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इसीलिए डेली वीडियो लेक्चर अपलोड किया जा रहा है। कोई भी पार्ट अगर आपका मिस होता है लाइव क्लास के दौरान तो आप अपना वीडियो लेक्चर से वही चीज वहां जाके आप अपना क्लियर कर लें कि क्या बताया था क्या नहीं बताया था। तो आज की क्लास में हमने दो तीन बातें पढ़ी, मैं आपको बताऊं एक बार। पहली बात, एक प्लेन मिरर, मेरी आवाज भी सुन रही है कि नहीं? No, sir. Yes, sir. चलो जिनको सुन रही है वो सुनिए। एक प्लेन मिरर के सामने आपने कोई कॉन्वेक्स लेंस रखा, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज कहीं कॉन्साइड कर रहे हैं तो वो दूरी उस रखे हुए लेंस की फोकल लेंथ है, पहला पॉइंट तो ये। दूसरी बात हमने सीखी कि ऑब्जेक्ट और इमेज अगर कॉन्साइड करवाने हो तो लास्ट में एक मिरर होना चाहिए, और मिरर पे जो ऑब्जेक्ट का काम करे वो या तो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो या फिर कहां हो, बोलो, मिरर के पोल पे, या तो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो या मिरर के पोल पे हो। फिर हमने चार पांच स्टेप्स बना के सीखा कि अगर अननोन लिक्विड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको निकालना हो तो यूजिंग ए लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एंड अ प्लेन मिरर कैसे निकाला जा सकता है, और उन पांच स्टेप्स के बाद एक फॉर्मूला सा भी बन के आया, एक आंसर याद रख सको, तो ऐसे सवालों के लिए डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो वो चार पांच स्टेप आपको करके देख लोगे। अब एक काम तो करो ना, आज क्वेश्चन नंबर 38 मैंने तो डायरेक्ट फॉर्मूला लास्ट वाला अप्लाई करके दिखा दिया, 32 आपकी नई बुक में वो जो एनसीईआरटी वाला लास्ट क्वेश्चन है, आप एक काम करेंगे भाई वो पांच स्टेप्स उन वैल्यूज के साथ ट्राई कीजिए। जैसे पहली बार D1 45 सेंटीमीटर, वहां से आपने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल ली लेंस और दोनों लेंसेज की, फिर D2 30 सेंटीमीटर, वो केवल ग्लास लेंस की फोकल लेंथ आई, वहां से ग्लास लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लिया, ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 मानते हुए, फिर पिछले में यूज करके लिक्विड लेंस की फोकल लेंथ निकाली, फिर लिक्विड लेंस के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करके वहां से रिफ्रेक्टिव। तो आप चाहें तो चाहें क्या, आपको करना है अलग अलग स्टेप्स एक बार वो करके दिखाएं उसमें, ठीक है। ये सब होने के बाद फिर हम गए स्लाइड प्रोजेक्टर की तरफ। स्लाइड प्रोजेक्टर में जो मेन जो नया पॉइंट आपने पढ़ा वो था कि इंटेंसिटी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा एक बात बताओ, स्लाइड प्रोजेक्टर में जैसे इस तरह की चीज आ जाए कहीं कि एक शीट डाल दी, बीच में एक शीट डाल दी जिसकी थिकनेस है टी और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है एन बिटवीन द प्रोजेक्शन लेंस एंड द स्क्रीन। देखो मैंने यहां से अभी मिटाया, एक छोटी सी बात मैं आपसे इसमें पूछता हूं, मतलब पीछे के पॉइंट्स को यहां अप्लाई करना हो तो क्या होगा वो देख रहे हैं। ये प्रोजेक्शन लेंस था,
ये स्क्रीन थी और इस तरह से इमेज वहां बन रही थी। अब क्या किया हमने, एक शीट डाल दी इसमें, एक ट्रांसपेरेंट शीट जिसकी थिकनेस है टी और जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है एन, ऐसा कोई सवाल आ जाए, ठीक है। तो अब अगर आप स्क्रीन पे स्लाइड को फोकस करवाना चाहते हैं, मतलब दिखाना चाहते हैं, तो स्क्रीन को कितना मूव करवाना पड़ेगा, स्क्रीन को कितनी डिस्टेंस लेंस की तरफ या लेंस से दूर किधर ले जाना पड़ेगा, स्क्रीन नहीं चले तो लेंस को कितना चलाना पड़ेगा, ये मेरा सवाल है। हमने शिफ्टिंग पढ़ा था टी माइनस टी बाई न्यू या टी माइनस टी बाई एन, बताओ शिफ्टिंग पढ़ी थी कि नहीं। अगर मान लीजिए आपने ये शीट यहां पे यूज कर दी, ये शीट यहां पे यूज कर दी, तो इसने क्या किया, इसने बेस को शिफ्ट कर दिया, इसने बेस को शिफ्ट कर दिया, और वो जो शिफ्टिंग थी आपको याद होगा कितना शिफ्ट किया है, टी माइनस टी वाई एन, इतना शिफ्ट किया है। तो एक्चुअली क्या होगा कि आपको सेम शिफ्टिंग या तो स्क्रीन में या लेंस में या इसमें करनी पड़ेगी, तब जाके दोबारा से रीफोकस हो पाएगा स्क्रीन पे इमेज। तो मतलब अगर ऐसा कोई भी सवाल आए, ऐसा कोई भी सवाल आए जिसमें स्लाइड प्रोजेक्टर के साथ ये चीजें अप्लाई कर रखी हो कि एक बीच में कोई टी थिकनेस की एक स्लैब लगा दी जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन है, तो उसने अपने आप शिफ्ट क्रिएट किया होगा टी माइनस टी वाई एन का, तो आपको भी इमेज को मीन्स स्क्रीन को इतना शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि इमेज अभी वहां बन जाए। समझ में आया ये, मतलब अगर किसी क्वेश्चन में यूज हो जाए ऐसा, तो यू मिक्स किए जा सकते हैं सवाल, इस सवाल को उस सवाल के साथ मिक्स किया जा सकता है। चलिए ठीक है, अब कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रेक्शन थ्रू प्रिज्म, यानी कि हमने इस पार्ट को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को चार पार्ट्स में डिवाइड किया था, पहला पार्ट रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रेक्शन एंड लेंसेज वो हो गया, तीसरा आपका आता है प्रिज्म से रिफ्रेक्शन एंड डिस्पर्जन और डिस्पर्जन से रिलेटेड बातें, और फिर चौथा पार्ट आएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो मतलब हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आधा हो चुका है, तो कल उसका चैप्टर का तीसरा पार्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन एक काम मैंने आपको दिया है, क्या दिया बताओ, आज की क्लास की शुरुआत में क्या काम दिया था, बताओ बताओ, बिल्कुल शुरू में, अरे बोलो, बिल्कुल शुरुआत में क्या काम दिया था, भूल गए भाई, कमाल ही हो गया। चलो भूल गए तो आप ये वीडियो लेक्चर देख लेना, बाद में स्टार्ट करके देख लेना कि क्या काम दिया था, ठीक है। और कल पहले डिस्कशन उस मैटर पे होगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू।